Hello students, again I am here with my new lecture of same chapter sir, because some topics are left. In the previous lecture I have explained you about the different cell organelles. Now some important differentiation are left, that is some topics that we are going to discuss in this lecture are differentiation between plant cell and animal cell. इस लेक्चर में मैं आपको डिफ्रेंसीशन बताऊंगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया है इसमें विद फिगर. आई एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर. नेक्स्ट इज डिफ्रेंसीशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, एंड लास्ट इज सेल डिवीजन. ओके, सो सेल डिवीजन बोथ द टॉपिक वन दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एंड द टॉपिक टू दैट इज डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यू आर वेल इंट्रोड्यूस अबाउट दैट. एंड लास्ट वन इज सेल डिवीजन. ठीक है, सेल डिवीजन मीन्स सेल कैसे डिवाइड होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे उससे नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है. सो दीज आर थ्री टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस लेक्चर. And I think after this lecture all the topics are clear. If you have any doubt then ask to me in the comment section. Now start, that is differentiation between plant cell and animal cell. What is the difference between plant cell or animal cell में क्या difference होता है. तो कुछ common difference आपको मैंने पहले बताया है और जो आपको पता भी है कि plant cell double layered होते हैं, they have double layer, उनके डबल लेयर होते हैं कि दे हैव सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बोथ, उनमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों ही पाए जाते हैं, और एनिमल सेल में सिर्फ एक लेयर पाई जाती है. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोमेटिकली दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल सेल हैव नॉट. प्लांट सेल डिडंट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन टू स्टोर फूड, सो दे हैव बिग वैक्यूल्स एंड एनिमल सेल्स हैव मोस्टली नॉट. ओके, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल साइज दैट इज लार्जर देन एनिमल सेल. जो प्लांट सेल के साइज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एनिमल सेल से बड़े होते हैं. ठीक है, एंड एनिमल सेल्स स्मॉलर देन प्लांट सेल. एनिमल सेल प्लांट सेल से छोटे होते हैं. नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाई रिजिड सेल वॉल. मतलब प्लांट सेल में जो लेयर होती है वो डबल होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी सेल वॉल, दे आर डबल लेयर्ड. ओके, and animal cell cell wall is absent. animal cells cell have only single layer, that is cell membrane, plasma or plasma membrane. केवल एक ही layer पाई जाती है जिसे cell membrane या plasma membrane कहते हैं. next is plastid. in plant cell plastid are present and animal cell absent. plastids means they have a pigment that is chlorophyll and chloroplast, that's why the plants are able to make their own food and that's why they are known as the autotrophs. next is animal cell. next is vacuoles. vacuoles abundant in number means jitni zarurat hai utni zyada vacuoles inme paaye jaate hain, and large in size, aur size mein bade hote hain. but animal cells have few in number and small in size. एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स मीन्स एक खाली जगह होती है जिसमें फूड स्टोर होता है. ठीक है, तो वे वैक्यूल्स एनिमल सेल में कुछ ही पाए जाते हैं और साइज में भी बहुत छोटे होते हैं. सेंट्रियोल्स इन प्लांट सेल एब्सेंट. सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट फ्यू, कुछ लोअर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं. एंड एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, आगे चल के सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं. ओके, सेल सेंट्रियोल आपको मैंने सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ाया था. नेक्स्ट, प्लांट सेल शेप इज रेगुलर. एक रेगुलर शेप होता है प्लांट सेल का, बट एनिमल सेल में जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है. सो दीज आर सम डिफरेंस. चलिए फिगर से दिखा देते हैं आपको डिफरेंस. देखिए, फिगर से बताया मैंने आपको, अभी बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं. ठीक है, देखिए ये डबल लेयर्ड, दो लेयर पाए. चलिए लेट स्टार्ट द डिफरेंशिएशन. अब आपको डिफरेंशिएशन फिगर की मदद से समझाते हैं कि प्लांट सेल, आपको बताया कि दीज आर डबल लेयर्ड, सी दैट इज सेल वॉल. ओके, एंड सेल मेम्ब्रेन, टू लेयर आर प्रेजेंट. एंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में देखिए सिर्फ एक लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो इट्स क्लियर फ्रॉम द फिगर. नेक्स्ट इज बताया कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. सी देयर इज अ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है. आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज क्लोरोफिल.
विच आर एबल टू ट्रैप द सनलाइट, जो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है. नाउ सी इन दिस फिगर, देयर इज एनी क्लोरोप्लास्ट? यहाँ कोई क्लोरोप्लास्ट है नहीं. क्यों? बिकॉज यू आर वेल नोन दैट द एनिमल सेल्स आर हेटरोट्रॉप्स. एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड. नेक्स्ट वैक्यूल. प्लांट सेल में वैक्यूल बताया कि एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है और साइज में बड़े होते हैं. बट इन एनिमल सेल मोस्टली दे डिडंट हैव, नहीं पाया जाता है. ओके, साइज आर इरेगुलर एंड रेगुलर. सो द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज क्लियर विद द फिगर ऑल्सो. सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक मींस द प्रिमिटिव सेल्स. जब शुरुआत में इवोल्यूशन शुरू हुआ, जो सेल्स थे जो वेल डेवलप्ड नहीं थे, दे आर प्रोकैरियोटिक. एंड आफ्टर देन द यूकैरियोटिक आर नोन एज द वेल डेवलप्ड सेल. सो लेट्स सी द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल. ऑर्गेनेल्स. What are organelles? The organs which are embedded into the cell, into the cytoplasm. These are known as the organelles. तो वो organelles कैसे होते हैं? In the prokaryotic cell, membrane-bound organelles are absent. Prokaryotic primitive थे, शुरुआत में बनना शुरू हुआ था, तो वो इतने well developed नहीं थे कि उनके जो organelles हैं वो membrane से bounded हो, membrane से covered हो. लेकिन जो eukaryotic थे वो कैसे थे? बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक जो नए थे, शुरुआत में कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उतनी वेल डेवलप नहीं होती है. फिर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कैसे हुए? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. मतलब जो गिफ्ट हमने दिया उसे क्या कर दिया? पैक कर दिया, सुंदर बना दिया. सीख गए हम तो कैसे हो गए? वो ऑर्गेनेल्स सेल्स मेम्ब्रेन से कवर्ड हो गए. नेक्स्ट राइबोसोम. आपको पता है राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर थे और रैंडमली स्कैटर्ड थे. स्मॉलर एंड रैंडमली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. रैंडमली मींस एक निश्चित जगह नहीं है, यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. एंड इन यूकैरियोटिक बिगर, कैन बी फ्री एंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी आपको फिगर दिखाया मैंने, ये वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक का ही है. तो जो न्यूक्लियस है इससे एसोसिएटेड है. सी दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये न्यूक्लियर से एसोसिएटेड है. ठीक है, तो बाद में जो हुए उनमें जो राइबोसोम्स थे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लियर से एसोसिएटेड थे. साइज इज प्रोकैरियोटिक छोटे थे, जनरली स्मॉल 1 to 10 μm. एंड यूकैरियोटिक आर जनरली लार्ज. बाद में जो बने यूकैरियोट्स वो कैसे हैं? डेवलप्ड हैं तो बड़े. नेक्स्ट क्रोमोसोम. यू नो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? विच आर प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस एंड दीज कैरी द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द वन जेनरेशन टू द अदर. क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और एक जनरेशन से जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं. तो प्रोकैरियोटिक में कैसे थे? सिंगल. बट यूकैरियोटिक डेवलप्ड है तो इनमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. न्यूक्लियर रीजन, ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट. मतलब ऐसे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है कि यही न्यूक्लियस है. समटाइम्स सम सेल्स वर्क एज अ न्यूक्लियस, मींस दे कोऑर्डिनेट द अदर फंक्शंस ऑफ द सेल. बट यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड, अच्छे न्यूक्लियस जो है वो मिडल में क्लियरली दिखाई देता है एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरी तरह से कवर्ड नहीं होते. लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरी तरह से कवर्ड होता है. एग्जाम्पल इज साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑल ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया और एल्गी को छोड़ के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं, वेल डेवलप्ड हैं. सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन. So the prokaryotic, eukaryotic, plant cell and animal cell is clear. Next is cell division. Cell division means कि cell divide होता है. कैसे divide होता है, क्या तरीका है divide होने का और क्यों divide होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं. Cell multiplication is needed. Multiply means क्या होता है? संख्या में बढ़ना. तो cell multiplication is needed for the growth, development and repair of the body. जब सेल मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या में बढ़ेंगे, तो क्या होगा? तो ग्रोथ होगा,
डेवलपमेंट होगा और रिपेयर। कभी कभी जो पुराने सेल हैं वो इंजर्ड हैं या खराब है, खराब हो जाते हैं, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, नए सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस पुराने का रिपेयरमेंट भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो नए सेल के ग्रोथ के लिए और या ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और जो भी सेल इंजर्ड है उनके रिपेयर के लिए, सेल का मल्टीप्लाई होना, नए सेल का फॉर्मेशन होना, संख्या में बढ़ने के लिए ही सेल डिवीजन होता है। सेल मल्टीप्लाइज बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसे कहते हैं? जब सेल बार बार डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप। अब सेल डिवीजन भी दो तरह के होते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड नेक्स्ट इज मियोसिस। एक को माइटोसिस कहते हैं और दूसरे को मियोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाई विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ऐसे प्रोसेस जिसमें जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए डिवीजन होता है जिससे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो, तो उसे माइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। हर एक सेल मदर सेल होता है और हर मदर सेल डिवाइड होता है, डिवाइड मीन्स बढ़ता है, विभाजित होता है, टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। और हर एक सेल से दो नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेल जिससे जो डिवाइड होता है दैट इज नोन एज मदर सेल, उसे क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं। और जो दो नए सेल का फॉर्मेशन होता है उन्हें क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। नेक्स्ट, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर। डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, मतलब अगर मदर सेल में एक है तो डॉटर सेल में भी एक ही होंगे। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। और ये नए सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनसे सेल का ग्रोथ होता है और जो पुराने सेल हैं टिश्यूज़ में जो ख़राब हो गए हैं उनका रिपेयर होता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग्स। स्पेसिफिक सेल और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं जो एनिमल और प्लांट्स में डिवाइड करते हैं और गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स बनाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। दे डिवाइड बाई अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व। तो उनका विभाजन कैसे होता है? उनका विभाजन नेक्स्ट वाले डिवीजन से होता है जिसे मियोसिस कहते हैं, विच इन्वॉल्व टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, जिसमें दो बार डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता था? एक बार डिवीजन होता था और एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता था, लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि दो बार डिवीजन होता है और चार सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैन दैट ऑफ द मदर सेल। लेकिन पहले वाले में माइटोसिस में क्या होता था कि अगर मदर सेल में एक न्यूक्लियस दो क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल है उनमें भी, लेकिन अगर मियोसिस में क्योंकि दो बार डिवीजन होता है तो अगर मदर सेल में दो क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल फोर डॉटर सेल बनते हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम, मीन्स दो है तो उनमें एक होगा। चलिए फिगर की मदद से समझाते हैं। माइटोसिस इट्स अ सेल डिवीजन। तो जब भी सेल डिवीजन शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है? पेयरिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है, रिप्लिकेशन हुआ। ये देखिए दो क्रोमोसोम्स पाए गए। अब कंस्ट्रिक्शन शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रिक्शन किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। ये देखिए कंस्ट्रिक्शन हुआ, यहाँ थोड़े से दबे हुए ना, कंस्ट्रक्ट हुए दबे, और फिर दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में आ गए और फिर इनका भी डिवीजन हो गया। और फिर दो से इस दो क्रोमोसोम से या एक सेल से दो डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। मदर के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स थे? वन पेयर, टू, और इनमें कितने हैं? टू। मतलब जितने मदर में होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे। जिस सेल का डिवीज़न हो रहा है इसे क्या कहते हैं? मदर सेल। और ये डिवीज़न हो करके किस दो सेल का फॉर्मेशन किया? टू डिप्लॉयड सेल, दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। मतलब माइटोसिस में एक से दो डॉटर सेल से, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। नाउ कम ऑन द मियोसिस। इन मियोसिस
मियोसिस में क्या होता है, सीड्स ऑफ मियोसिस इसमें आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर ये इनकी पेयरिंग हुई और फिर नेक्स्ट एक से दो में डिवाइड हुए, और फिर ये दो डिवीज़न हुआ, इसका डिवीज़न हुआ, इससे दो का फॉर्मेशन हुआ, और इसका डिवीज़न हुआ, इससे दो का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स एक मदर सेल्स का से कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, 4, और इनमें संख्या कितनी क्रोमोसोम की, 4, और इनमें कितनी है एक में, 2। आपको बताया था कि माइटोसिस में जितनी मदर में क्रोमोसोम के नंबर होते उतने ही डॉटर में होते हैं, लेकिन मियोसिस में जस्ट हाफ होते हैं क्योंकि उसमें डिवीज़न एक ही बार हुआ था, एक का डिवीज़न बस इतना ही जो प्रोसेस है, दो डॉटर हुआ इतना ही एक जो है माइटोसिस में होता है, लेकिन मियोसिस में दो बार होता है। और क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं और स्पेशल सेल होते हैं, और फिर इनसे नए ऑफस्प्रिंग का, नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो दो बार डिवीज़न होता है इसलिए 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो इट्स क्लियर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, कि माइटोसिस में एक से दो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज मदर सेल। माइटोसिस में जो डॉटर सेल है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और वो ग्रोथ में और रिपेयर में मदद करते हैं। और माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस मियोसिस विच इन्वॉल्व 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन, दो बार डिवीजन होता है। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल, और 4 नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ओनली 1/2 ऑफ द नंबर क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द मदर सेल, मदर सेल का जस्ट हाफ होता है। सो इट्स क्लियर कि माइटोसिस में जस्ट मदर सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही डॉटर सेल में हैं, एंड इन मियोसिस मदर सेल का जस्ट हाफ डॉटर सेल में है, और दो कंसेक्यूटिव डिवीज़न हुआ, एक बार डिवीज़न हुआ दो बने, फिर दोबारा डिवीज़न हुआ माइटोसिस मियोसिस 2, और फिर 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।